बिहार के भोजपुर में कोइलवर इलाके के चांदी में बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। बुधवार 21 दिसंबर को कोइलवर बनाम चांदी के बीच में फाइनल का मुकाबला खेला जाने वाला था, जिसमें चांदी की टीम की जीत हो गई। विजयी टीम के खिलाड़ी ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। दर्जनों नौजवान ट्रॉफी के साथ जुलूस निकालते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। घटना के कुछ ही देर बाद इससे जुड़ा वीडियो वायरल होने लगा। वायरल वीडियो के सही पाए जाते ही पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी और 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम मोहम्मद अरमान, मोहम्मद तनवीर आलम, कल्लू और सोनू है। वहीं इसी मामले से जुड़ा हुआ एक अन्य वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के हक में नारे लगाने वाले नौजवानों को पकड़कर उनसे हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं। ये वीडियो भी चांदी का ही बताया जा रहा है और इस वीडियो में से भी 2 नौजवानों को पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिया है। दोनों वीडियो को चिन्हित करके पुलिस बाकी लोगों की भी तलाश में जुटी हुई है। भारत देश में रहकर भारत देश का खाकर अपनी खुशी में दुश्मन देश को याद करने वाले ये लोग भारत में रहने लायक है या नहीं, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, वंदे मातरम। अरे जय श्री राम। पूरा कर लिया।